फ्रेंड्स, वेलकम टू आर स्केर स्टडीज। यहाँ हम कर रहे हैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का सिलेबस। आज का हमारा टॉपिक है रॉबर्ट किंग मर्टन। रॉबर्ट किंग मर्टन इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, जिनका जन्म 1910 में और जिनकी डेथ 2003 के अंदर हुई है। वर्क इनके मेन मेन वर्क यहाँ नोट डाउन किए हुए हैं, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस 1973, फॉक्स इंटरव्यू, क्रिमिनोलॉजी, फैक्टर डिटरमाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर, द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। इनका मेन टॉपिक रहा है फंक्शन के ऊपर। कल जैसे फंक्शन आपको बताया था, वो एक्टिविटीज़ जो किसी भी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए की जाती हैं, वो फंक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, फंक्शन को इन्होंने फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, पीपल वर्क के अकॉर्डिंग और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एंड बायोलॉजिकल साइंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। फेस्टिवल के अंदर हम जैसे लेते हैं, कोई भी आपने कोई त्यौहार है उस पर हम बोलते हैं आज किस चीज़ का फंक्शन है या जन्मदिवस का फंक्शन है। ऑक्यूपेशन, कोई भी कोई बंदा नया काम करता है, कोई व्यक्ति जब नया काम करता है तो उस चीज़ का फंक्शन। पीपल के वर्क्स के फंक्शंस होते हैं, कॉलेज स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज जो बायोलॉजिकल फंक्शंस को ये मेन लेते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन जैसे फंक्शंस ऑफ हार्ट, फंक्शंस ऑफ लंग्स, जो बॉडी को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। ऐसे ही सोसाइटी के अंदर कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। इन फंक्शंस की जो यूटिलिटी है वो है पर्पस। हर एक फंक्शन का कोई ना कोई पर्पस होता है, मोटिव होता है, एम होता है, और उसके कंसिक्वेंसेस भी निकलते हैं बाद में, यानी क्या रिजल्ट्स आए हैं उस फंक्शन से सोसाइटी कितनी अफेक्ट हुई है। ये आगे फंक्शंस की बातें करते हैं। फर्स्ट आता है मैनिफेस्ट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड एंड इंटेंटेड कंसिक्वेंसेस, यानी ये जो फंक्शन है ये समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त फंक्शन है। यानी आपको रोड के ऊपर जो एक फिक्स साइड दी है उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। आपको बाइक लेके जा रहे हैं, आजकल जैसे रूल बनाया गया है कि आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है। दीज आर मैनिफेस्ट फंक्शन। लेटेंट फंक्शंस वो होते हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जिनको सोसाइटी मान्य नहीं मानती। माना कि अगर आप रोड से जा रहे हैं बाइक से, अगर आप हेलमेट नहीं डालते हैं तो दैट इज लेटेंट फंक्शन। डाई फंक्शंस होते हैं जिसका सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और एक आते हैं इसके अंदर नॉन फंक्शंस। नॉन फंक्शन, आप घर के अंदर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई घर में नहीं है, आप गाने गुनगुना रहे हैं, इस तरह के जो कार्य आते हैं वो आते हैं नॉन फंक्शंस के अंदर। नेक्स्ट ये बातें करते हैं मिडल रेंज थ्योरी की। मिडल रेंज थ्योरी, इनके जो गाइड रहे हैं पार्सन सर रहे हैं, वो मैक्रो सोशियोलॉजी के ऊपर उनका काफ़ी वर्क रहा है। लेकिन ये बोलते हैं कि ना तो मैं बड़े सिद्धांतों की बातों पे विश्वास रखता हूँ, ना ही बिल्कुल छोटी, मुझे इसके बीच का कुछ रास्ता चाहिए। तो एक ये इंटरमीडिएट प्रोविजंस को प्रोवाइड करवाते हैं मिडल रेंज थ्योरी। इसके अंदर ये हर चीज़ को लेते हैं, थ्योरी को लेते हैं, डाटा को लेते हैं, पैराडाइम्स को लेते हैं। ये जो थ्योरी है ये एक ब्रिज का काम करती है बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो के अंदर। जिस टाइम हम कंबाइन करते हैं एमआरटीज को, एमआरटी मींस मिडल रेंज थ्योरीज को, तो क्या बनती है, ग्रैंड थ्योरी बनती है। नेक्स्ट की बातें करते हैं रेफरेंस ग्रुप की। रेफरेंस ग्रुप फर्स्टली होता क्या है, रेफरेंस ग्रुप मनुष्य जिस ग्रुप का सदस्य नहीं है लेकिन वह उस ग्रुप का सदस्य बनने की इच्छा रखता है, वो रेफरेंस ग्रुप होता है। रेफरेंस ग्रुप की सबसे पहले जो ये कंसेप्ट दिया था ये हाइमन ने दिया था। देन इसके ऊपर किसने भी काम किया, रॉबर्ट किंग मर्टन ने, कि हम पर्टिकुलर ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारी एक्टिविटीज को चेंज करते हैं, उसके अनुसार रहने की आदतों को बनाते हैं। इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर को डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट ये बातें करते हैं रोल मॉडल की। रोल मॉडल हर व्यक्ति की लाइफ के अंदर एक इम्पोर्टेंट कोई मॉडल होता है। जैसे कोई एक्टर्स को मॉडल मानते हैं, हाँ मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, कोई हमारे नेताओं को मॉडल मानता है, कुछ जो व्यक्ति अब एट प्रेजेंट नहीं है उनको भी मॉडल मानते हैं, कुछ लोग महात्मा गांधी जी जैसा बनना चाहते हैं। इस तरीके से ये जो कंसेप्ट है ये रॉबर्ट किंग मर्टन ने दिया था। नेक्स्ट इज रोल सेट। आपकी मतलब काफ़ी सारी भूमिकाएं हैं और उसको आप किस तरीके से मैनेज करते हो। मैं ही यहाँ एग्जाम्पल लेती हूँ एक डॉक्टर का।
डॉक्टर जिस टाइम घर के अंदर होता है उसको एक बेटे का, हस्बैंड का, एक फादर का, सारे रोल उसको एडजस्ट करने होते हैं। जिस टाइम वो क्लिनिक के अंदर होता है, हाउ ही ट्रीट विद पेशेंट्स, उसके जो कलीग्स हैं उनके साथ वो कैसे ट्रीट करता है, कैसे वो लोअर स्टाफ के साथ ट्रीट करता है, कैसे वो अपने से बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस के हेड उनके साथ कैसे ट्रीट करता है, दैट इज रोल सेट। नेक्स्ट इन्होंने दिया था एक कंसेप्ट सुडोज फ्रेमवर्क। सुडोज फ्रेमवर्क से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म है कम्युनिज्म यूनिवर्सलाइजेशन डिसइंटीग्रेशन ऑर्गेनाइज स्केप्टिज्म। नेक्स्ट ये बातें करते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की। वही एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन रेफरेंस ग्रुप लाइक कि हम उस किसी ग्रुप के सदस्य नहीं है, लेकिन उस ग्रुप के सदस्य होने के लिए जो जो हमने हमारे करेक्टर के अंदर, हमारे बिहेव के अंदर, डे टू डे लाइफ के अंदर जो जो चेंज किए हैं, दैट इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट यहाँ बातें आती हैं मोड ऑफ अडप्टेशंस की। मोड ऑफ अडप्टेशन के अंदर यहाँ पांच तरीके के अडप्टेशंस हैं, कन्फर्मिटी, रिचुअलिस्ट, इनोवेटर्स, रिट्रिएटिव्स और रिबल्स। कन्फर्मिटी यानी अनुरूपता हिंदी में, समाज ने जो हमें गोल दिया है और जो उसको करने का मेथड दिया है, ये तो लोग इस चीज को फॉलो करेंगे, अनुरूपता वाले, तो यानी गोल भी लेंगे किसके द्वारा, जो समाज ने उनको मेथड्स दिए हैं, तरीके दिए हैं। यानी आप एक स्टूडेंट हैं, आपका गोल क्या है, परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना, समाज ने क्या कहा आपको, स्कूल में जाइए पढ़िए, ये हो गया आपका कन्फर्मिटी। नेक्स्ट आता है रिचुअलिस्टिक, इसके अंदर गोल मिले ना मिले लेकिन हम समाज के मूल्यों को नहीं ठुकराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इनोवेटर्स। रिचुअलिस्ट को हिंदी में कहते हैं कर्मकांडवादी, सिर्फ जो मतलब समाज के गोल से इधर उधर नहीं होंगे, समाज ने जो मेथड्स दिए उनसे इधर उधर नहीं होंगे, गोल मिले ना मिले। नेक्स्ट आते हैं इनोवेटर्स, नवाचारी। नवाचारी के अंदर क्या होता है, गोल मिलना चाहिए मेथड कुछ भी हो। एग्जाम्पल हम लेते हैं जो डकैती करते हैं, इनका गोल क्या होता है, वेल्थ, पैसा, इनको पैसा मिल जाए, वो किसी भी मेथड से मिल जाए। आगे आते हैं रिट्रिएटिस्ट, ये होते हैं पलायनवादी, यानी इसके अंदर क्या होता है, इनको ना तो गोल से मतलब होता है ना मेथड से मतलब होता है, समाज ने जो दी है, ठीक है। इसके अंदर आते हैं साधु संत वगैरह। नेक्स्ट आते हैं रिबेल्स, ये इनकी जो एक्टिविटीज होती हैं, गोल मिल भी सकता है उनसे, नहीं भी मिल सकता है, मेथड वो समाज वाला ले भी सकते हैं और नहीं भी, ये एक नया ही रूल लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, स्वयं क्रियान्वित भविष्यवाणी, यानी कोई भी इंसान अपने दिमाग के अंदर बात को बैठा लेता है पहले ही, जैसे हम भी बोलते हैं हाँ कोई भी एक्टिविटी करने से पहले, नहीं मुझे पता है इसका रिजल्ट बाद में क्या ही निकलेगा, पहले ही नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है। तो ये पैराडाइम किसने दिया था, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का, रॉबर्ट किंग मर्टन ने। क्योंकि ये देते हैं स्ट्रेन थ्योरी ऑफ डेवियंस, एक इसके अंदर आती है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी, वो है स्मेल्सर की, डोंट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी बाय स्मेल्सर। नेक्स्ट ये बातें करते हैं, इनके तीन पोस्टुलेट्स हैं जिनको ये मतलब नेगलेक्ट करते हैं, फंक्शनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग फंक्शनल यूनिट को नेगलेक्ट करते हैं, यूनिवर्सल फंक्शनल की बातों को नेगलेक्ट करते हैं, और इंडिस्पेंसेबिलिटी को, इनके अपने पोस्टुलेट्स ये लेके आते हैं इसके ऊपर। नाउ कंप्लीट योर टॉपिक, इफ गाइज यू लाइक माय कंटेंट प्लीज शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।